तो देखो यार, कुर्बानी का शौक जो है ना, हर किसी का अपनी मर्जी का होता है कि वो कोई सा भी जानवर लेकर आए या कुछ भी लेकर आए। तो आज की जो कहानी है वो एक शौकीन के बारे में है, और तुम लोगों के लिए एक ट्रिक भी है कि एक गैस करो कौन सा प्लेस है, यानी कौन सी जगह पे बछड़ी खड़ी हुई है। वैसे तो ये बछड़ी काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी और ये जगह काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई ये बछड़ी किस किस ने देखी हुई है मुझे लाजमी कमेंट में बताना। ये बछड़ी जो है मुझे बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने बोला यार इसको क्यों ना व्लॉग में लिया जाए और तुम लोगों को दिखाया जाए कि शौकीनों का शौक माशाल्लाह कितना प्यारा है यार। और यकीन मानो खूबसूरती इसकी नेक्स्ट लेवल खूबसूरती थी, और सामने जो बछड़ा बैठा हुआ है ना उसकी खूबसूरती बड़ी नेक्स्ट लेवल थी। तो ये टेंट बंधा हुआ था चारों तरफ, लेकिन फिर भी आपके भाई ने टेंट की कन्नात के बीच से हाथ डाल के आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया, ताकि थोड़ा सा यार इंटरेस्टिंग हो सके व्लॉग और तुम लोगों को पता चल सके कि यार कराची में कितनी खूबसूरतियाँ हैं। तो ये बताओ जगह लाजमी कि कहाँ पर है, वरना बाद में मैं बता। तो आपने ये बछड़ी का व्लॉग तो देख लिया, लेकिन देखो खूबसूरती और एक शौक जो है ना वो एक अलग ही बात होती है। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि यार फजूल है इतनी बड़ी कुर्बानी करना, या फजूल है इसमें इतने जानवर आ जाते, इसमें उतने जानवर आ जाते, इसमें ये हो जाता, इसमें वो हो जाता, इसमें जो है गरीबों का ही हो जाता, इसमें ये हो जा सकता था, इसमें वो हो सकता था। देखो अक्सर लोग शौकीन होते हैं, जो इतना बड़ा जानवर लेकर आ रहे हैं ना, वो अपनी उसके लिए नहीं ला रहे कि यार हमारा नाम हो या हमारा कुछ हो, हर कोई शौक के लिए लेकर आता है। अब हम JDC जाते हैं, JDC पे दुनिया के बड़े महंगे तरीन जानवर खड़े हुए होते हैं, तो क्या मकसद है कि जो डोनर देने वाला है लोग उसको बुरा बोले? तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर कि यार ये जो है शौक नहीं है, दिखावा है, ये वो है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई देखो कुर्बानी जो है ना नियत के ऊपर है। कुर्बानी एक छोटे बकरे की भी जायज़ है, एक छोटे जानवर की भी जायज़ है, कुर्बानी हर तरीके की जायज़ है। देखो मैं जो हूँ ना एक क्रिएटर, मैं हमेशा से तुम लोगों को चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज़ें देखने को मिलें। अब देखो मशहूर जानवर, महंगे तरीन जानवर हर कोई अपने ब्लॉग्स में दिखा रहा है, हर कोई बता रहा है उनके बारे में कि ये इसका है, ये उसका है। देखो इस बंदे का मुझे पता नहीं था किसका है, ये एक टेंट के अंदर बंदे, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। मैं गुजर रहा था वहाँ से और मेरी अचानक नज़र पड़ी, मैंने बोला यार ये तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि मेरे व्यूवर्स को देखने के मेरा दिल है, मैं दिखाऊं अपने व्यूवर्स को कि यार कितनी खूबसूरती जो है खड़ी हुई है माशाल्लाह से माशाल्लाह। देखो ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि देखो हर किसी को शौक होता है, हर ज़्यादातर लड़के जो हैं, लड़कों की जीन्स की अगर बात की जाए तो उनको सबसे ज़्यादा शौक ये होता है कि यार हमारा जानवर बड़ा है, मैं बड़ा जानवर लेकर आऊँ। देखो लड़कों के अंदर कभी भी ये नहीं होता कि यार हम बड़ा जानवर लाएँ तो हम दिखावा करेंगे, वो हमेशा इसलिए लेकर आ रहे हैं बड़ा जानवर कि उनका शौक होता है। हर किसी का एक शौक होता है और शौक का कभी कोई मोल नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने तुम लोगों को जमील मेमन की सीरीज़ दिखाई, शक्कर की सीरीज़ दिखाई, इन चीज़ों में काफ़ी पैसे खर्च हुए, मैंने तुम लोगों को व्लॉग में एक बताया भी, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि मैं जो है इसलिए बता रहा था कि यार मैं जो है परेशान हुई वो, नहीं, ये एक शौक है। देखो मंडी जो है ना, अब मेरे ऐसा मिडिल क्लास बंदा ना जो जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मंडी भी नहीं जा सकता। एज अ क्रिएटर नहीं, जब मैं ब्लॉग्स नहीं भी बनाता था, जब भी मैं हर किसी हर तीसरे बंदे के साथ लटक के मंडी चला जाता था कि यार मंडी चलते हैं और उसका जानवर लेना है, मुझे ना बहुत खुशी होती है, बहुत क्रेज़ होता है कोई जानवर आने का, कोई जानवर उतर रहा है, कोई जानवर कट रहा है या कुछ भी ऐसा है ना, तो बड़ा क्रेज़ होता है और बड़ा अफसोस भी होता है कभी कभार जब गाय कट रही होती है, और जिस गाय से आपसे आपको मोहब्बत हो जाए वो गाय जब कटती है ना तो आपको अफसोस भी होता है। तो अभी तुम लोगों को मोहब्बत के ऊपर तो एक ब्लॉग आगे जाके मिलेगा, एक मोहब्बत जो है हम भी अपनी रिवील करेंगे आपको साथ, तो वो ब्लॉग तुम लोग को आगे जाके मिलेगा इंशाल्लाह। तो एनीवेज ये जो थी बातें मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कभी भी किसी को जानवर को देख के या किसी को वो नहीं करो कि यार ये जो है दिखावे के लिए ला रहा है, आपको नहीं पता कि वो दिखावे के लिए ला रहा है, किस चीज़ के लिए ला रहा है। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल करे, ये शौकीनों का शौक है। देखो शौक जो है ना वो हर किसी के दिल में होता है। अब आप अगर एक कुर्बानी के लिए बकरा लाओ लेकिन आपकी नीयत ये हो ना कि यार मैं गाय ले आता, तो अल्लाह पाक कभी ना कभी आपको तौफीक देगा, हैसियत देगा, इस्तेआत देगा कि आप गाय भी अपनी लेकर आओगे अपने पैसों की। तो ये है कि बस अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो और कभी दिल छोटा नहीं करा करो। मैं जो है बड़ा सा, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं रख रहा, मैं ना थोड़ा सा अफसरदा सा हो जाता हूँ जब कभी जो है ना, मैं खुद भी अफसरदा हो जाता हूँ कि यार ऐसी चीज़ मेरे घर में भी होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो कभी भी यार अफसरदा नहीं हुआ करो। और एनीवेज ये था आज का हमारा ज्ञान और आज का हमारा टॉपिक कि एक बंदे बेहतरीन बंदे के शौकीन का शौक मैंने तुम लोगों को दिखाया। तो अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि यार अल्लाह पाक मुझे इतना दे के मैं एक दिन अपनी पसंद का जानवर, जो कि वो देखो अपनी पसंद का मतलब ये होता है कि आप मंडी में घुसो और एक नज़र में जिस जानवर से मोहब्बत हो जाए ना कि यार ये जो है मेरे मेरे पास होना चाहिए, ये चीज़ मैं कुर्बान करूँ अल्लाह की राह में,
तो वो जो मोहब्बत होती है ना जानवर से, वो एक अलग ही होती है। बाकी अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे और सबको इंशाल्लाह अल्लाह पाक कुर्बानी करने की तौफीक दे। सो एनीवेज़ यहाँ पे करते हैं ब्लॉग एंड, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और आने वाले ब्लॉग्स बहुत मज़ेदार हैं तो सब्सक्राइब करके रख लो अभी से चैनल को। ये तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं, बाद में बोलोगे अल्लाह भाई ने बताया नहीं था, अल्लाह भाई बता रहे हैं अभी से ही कि सब्सक्राइब कर लो पहले से ही।